नमस्कार दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता है, और जो नहीं सोचते हैं ऐसा होता है। सारे छात्र कब से ये राह देख कर बैठे थे कि उनकी एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। सारे लोगों को ये लगता था कि शायद कैंसल हो जाएगी, तो दोस्तों एग्ज़ाम कैंसल नहीं हुई। सभी लोगों की धारणाएं गलत साबित हुई। पहले भी मैंने कहा था कि डिग्री की एग्ज़ाम होती है वो बहुत ही कम मायने में कैंसिल हो सकती है, या तो कुछ ऐसी बहुत ही गंभीर परिस्थितियां हो तब कुछ सोचा जाए। अब देखिए कि सभी जगह पे ऐसा कहा जा रहा है कि शायद मई के बाद, यानी कि 16 मई के बाद एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। कई लोगों ने ये तारण निकाल लिया कि 16 मई के बाद एग्ज़ाम हो जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि शायद नहीं होगी। फिर भी 16 मई के बाद स्थिति कैसी होती है उसके बाद ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो किसकी होगी? तो सबसे पहला चांस होता है कि थर्ड ईयर और मास्टर डिग्री का लास्ट ईयर, उसकी एग्ज़ाम पहली प्रायोरिटी होती है। उसको किस प्रकार से ली जाती है वो देखने लायक बात होगी। उस समय की ऐसी परिस्थितियाँ ही वो उसी के आधार पर आधारित है। बाकी की जो एग्ज़ाम है उसका वो भी कुछ तय नहीं है। बाकी की यूजीसी की गाइडलाइंस जिस प्रकार से होगी उसी प्रकार फॉलो करेगी पूरे यूनिवर्सिटी, पूरे देश की यूनिवर्सिटी। उसी के आधार पर बच्चों की एग्ज़ाम ली जाए या नहीं ली जाए, उसी को फॉलो करके डिसीज़न लिया जाएगा। काफ़ी लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया था। मैंने अगले वीडियो में कहा था कि भाई पढ़ना मत छोड़िए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि फेल कुछ भी नहीं होता है, काम सब कुछ आता है, तो पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई, यानी कि उनको लगता था कि एग्ज़ाम अब नहीं आएगी, अब पढ़ने की कोई नौबत नहीं है। बहुत फिर भी मेरी चैनल पे आप देखे होंगे कि बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। आप उसको देखिएगा, बार बार देखिएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसका उपयोग कीजिए, क्योंकि इसी युग में ऐसे, क्योंकि लेक्चर में क्या होता है कि एक बार आपने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, ख़त्म। किंतु यहाँ पर क्या होता है कि एक लेक्चर का बार बार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से किसी एक किताब को पढ़ने के बाद उसको बार बार मायने निकाल सकते हैं, उसी प्रकार इसमें भी हो सकता है दोस्तों। तो पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम की अभी तक तय ही नहीं है। आप ये मत सोचिए कि 16 तारीख के बाद आपकी एग्ज़ाम हो ही जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तय नहीं हुआ है, उसमें ये बताया गया 16 तारीख के बाद डिसीज़न लिया जाएगा कि एग्ज़ाम ली जाए या नहीं ली जाए, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस होगी, उसी के आधार पर ये सब आधारित है। तब तक एन्जॉय कीजिए वेकेशन को, वेकेशन में मज़े कीजिए, किंतु ध्यान रखिए स्टे इन द होम, बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर ही एन्जॉय करना है। बहुत बड़ा मौका है भीतर एन्जॉय करने का, अपने भीतर को पहचानने का। तो भीतर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और कोई ना कोई किताब कुछ ना कुछ पढ़ते जाइए। आपके मोबाइल में बहुत कुछ होता है, मैं हर रोज़ ऐसे वीडियो डालने का प्रयत्न करूँगा कि कुछ ना कुछ आपको मिल सके। इसके बाद जो लास्ट ईयर वाले जो छात्र है वो अपने पढ़ाई मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके मेरिट में ये नंबर गिने जाते हैं। इसीलिए पढ़ना जारी रखें। इसके बाद आगे क्या करने वाले हैं, मेरा एक अगला वीडियो है ग्रेजुएशन के बाद क्या करें उसको देखिए। 12वीं कक्षा में जो है वो पास हो जाएगी, उसके बाद वो देखें कि 12वीं कक्षा यानी कि 12 आर्ट्स के बाद क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो पढ़ाई जारी रखिए, और कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी टॉपिक को लेकर कोई प्रश्न हो, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, क्योंकि मैं उसका उत्तर दे सकूं दोस्तों। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, किसी भी प्रकार का हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा और वीडियो भी उसमें डालूंगा। तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कोई अच्छी नॉवेल पढ़िए, कोई कहानियाँ पढ़िए, या कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, GK पढ़िए, जनरल नॉलेज पढ़िए, बहुत सारे स्रोत हमारे सामने हैं, आपके साथ है। तो इस प्रकार से ICT का उपयोग करके आने वाली एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी वो तय नहीं है। अगर होगी तो आप उसका बहुत अच्छे से पास हो, उस प्रकार के शुभकामनाओं साथ मैं प्रोफेसर राठौड़ गवर्नमेंट कॉलेज भानवड़ की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।